या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी है। देवी का यह स्वरूप बहुत ही ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इन देवी के हाथ में जप की माला है और कमंडल धारण किए हुए है। पूर्व जन्म में इन देवी ने हिमालय के गर्भवती रूप में जन्म लिया था और शिव शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इतनी कठिन तपस्या के कारण माता का नाम तपस्यारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक माँ ने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन तपस्या, उपवास रखे और खुले आकाश में नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिलपत्र खाए और उसके बाद बिलपत्र भी नहीं खाए और निर्जल रहकर तपस्या करती हुई भगवान की आराधना की। कठिन तपस्या के बाद देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पूर्ण कृत्य बताया और सराहना की और आशीर्वाद दिया कि उनकी मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान शिव उन्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। इन देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी विचलित नहीं होना चाहिए। माता को कमल का पुष्प अत्यंत पसंद है और भोग में मिश्री, पंचामृत, दूध से बनी मिष्ठान माता को अत्यंत पसंद है। तो आइए हम सब माता के चरणों में नमन करते। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।